उनमें से एक पैनलिस्ट अपनी चेयर खिसका के बिल्कुल मेरे बराबर इतना पास आ गए जैसे आप बैठे हो, क्योंकि तुम्हें खाली मैम दिखी है। मैंने कहा सर सॉरी सॉरी सॉरी, देश आप पे इतना इन्वेस्ट किया है, आप क्या रिटर्न दे रहे हो देश को? आईएएस बन के भी यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द कंट्री, बट जो चीज मैं आपको इतने कैजुअली बोल रहा हूँ वो मैं वहाँ नहीं बोल सकता हूँ। मेरे काले जूते थे, एक ही जोड़ी जूते थे मेरे पास हमेशा, तो मैं वो जूते पहन के गया था, उसकी एड़ी टूट गई। अभी मेरा पेपर हो जाने दो, नहीं तो आपकी रिलेटिव तो लिख लेगी, मैं नहीं लिख पाऊंगा। मेन सर इंटरव्यू का मैं 2021 और 22 का मैं आपको बताता हूँ एक मेरा इंसिडेंट। पहली बार देने गया था जब, तो पहली बार तो हाथ ही कांप रहे थे क्योंकि इतने बड़े बड़े सीनियर, इतने ब्यूरोक्रेट्स, हम तो जानते भी नहीं थे। बाद में पता चला रंगनाथन मैम का पैनल था वो, तो मैंने जाके, मैम बैठी थी बीच में, मैंने जाके मैम गुड मॉर्निंग, और मैं जाके कुर्सी पर जाके बैठ गया। बाकी जो पैनलिस्ट थे वो बोले उनमें से एक, क्यों भी तुम्हें खाली मैम दिखी है? मैंने कहा अरे सर, मैंने कहा सर सॉरी सॉरी सॉरी, तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है जो पैनल है तुमने चेयर को इज्जत दे दी बस, ठीक है इतना बहुत होता। मैंने कहा सर एक मिनट रुक जाइए, मेरे हाथ कांप रहे, पहली बार आए हो आप लोग के सामने। बोले आराम से पानी पियो, खूब बैठो अपना आराम से। तो अब ये उन्होंने पकड़ लिया कि ये नर्वस हो रहा है। 15 मिनट के अंदर उनमें से एक पैनलिस्ट अपनी चेयर खिसका के बिल्कुल मेरे बराबर इतना पास आ गया जैसे आप बैठे हो अभी यहाँ, और एकदम ऐसे करके मुंह रख के ऐसे सामने हो गए, बता सर। और मैं और ज़्यादा नर्वस होता जाऊँ। तो एक जगह क्वेश्चन आया था कि आप जरा जो क्लैरी फ्लॉक्युलेटर का डिज़ाइन बताओ मैं कैसा होता है, तो मैं थोड़ा सा पीछे हुआ और मैंने कहा सर थोड़ी स्पेस दीजिएगा, और मैंने पेन पेपर पर उन्हें डिज़ाइन बनाना शुरू किया। तब जाके मैंने अपनी पर्सनल स्पेस बनाई, तो ऐसे करके थोड़ी बहुत ट्रिक्स थी। हमने सोचा कि यार एकदम छाती भी बैठा हुआ था, मुझे लग रहा था कि क्या करूँ आगे। आपका कोई अपना इंसिडेंस बताओ क्या क्या हुआ। मेरा सर 21 के इंटरव्यू में हुआ था, बट वो इतना फनी नहीं था एक्चुअली, काफ़ी एग्रेसिव सा, मतलब क्या बोलूँ मैं, घबरा भी गया था। हुआ ऐसा था कि उस समय कोल का शॉर्टेज चल रहा था, इंडिया में कोयला का शॉर्टेज चल रहा था, और मैं बीटेक हूँ आईटी से, माइनिंग इंजीनियरिंग में। अच्छा। तो मनोज सोनी सर का पैनल था, तो उन्होंने इस बात पे मेरे को पकड़ा कि भाई यहाँ कोल का शॉर्टेज चल रहा है और आप 15 बीटेक पास आउट हो और आप यहाँ 6 साल से आईएएस बनने के लिए लगे हुए हो, देश आप पे इतना इन्वेस्ट किया है, आप क्या रिटर्न दे रहे हो देश को? तो जनरली जो हम करते हैं सर डिप्लोमेटिक वे में, मैं नॉर्मल उनको बताया कि सर अभी तो मैं ज़्यादा इससे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा था, बट जो भी मेरा माइनिंग इंजीनियरिंग का नॉलेज है, मैं भी कल को मैं पॉलिसी मेकर बनूँ तो मैं वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा। सर आप IIT से थे, तो इस IIT के होने की वजह से आपको फ़ायदा मिला कुछ या और ज़्यादा आपको कुरेदा गया? मैं नहीं कहूँगा कि इससे खास कुछ फ़ायदा मिलता है, आई गेस वो अपने पैरामीटर्स पे ही चलते हैं जो उनको चाहिए, जो मेरे को लगा मेरे एक्सपीरियंस से। उल्टा ये चीज़ ज़रूर होती है कि एक एडेड बर्डन आपके इंजीनियरिंग वाला आ जाता है, बिकॉज सम हाउ दे विल फील कि कंट्री हैज़ इन्वेस्टेड ऑन यू, विच इज़ करेक्ट, बट देन IAS बन के भी यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द कंट्री। बट जो चीज़ मैं आपको इतने कैजुअली बोल रहा हूँ वो मैं वहाँ नहीं बोल सकता हूँ ना कि सर कंट्री में पे इन्वेस्ट किया है, मैं कल को जॉब में जाके रिटर्न दूंगा उसका, अभी शायद नहीं दे रहा हूँ। बट अल्टीमेटली मैं आपको वही बता रहा था कि उस क्वेश्चन के अंत में मेरे को जब वो 3-4 बार सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किए तो मेरे को इस बात पे आना ही पड़ा कि सर अभी मैं माइनिंग इंजीनियरिंग का कोई कंट्रीब्यूशन देश को नहीं दे पाया हूँ। मतलब ही ब्रॉट मी टू द पॉइंट जहाँ पे मेरे को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं सर मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया हूँ, एंड देन ही वॉज सेटिस्फाइड। कभी कभी ना सर पैनलिस्ट को खाली जीत चाहिए होती है कि मुझे जीतना है इस कैंडिडेट से, जीत लो। और सर मेरे साथ तो ये भी हुआ, हमसे पूछा गया था कि हाँ भाई बुलेट ट्रेन आनी चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल आनी चाहिए, सरकार की पॉलिसी है, क्यों कोई अपोज करेगा? करेक्ट। उन्हें सुन रहा था कि हाँ हमारा जो पॉलिसी है वो बढ़िया चल रही है कि गंगा साफ हो रही है। मैंने कहा सर नहीं। मैं बोले क्यों नहीं हो रही है? मैंने कहा सर जो पार्टिकल 50 PPM होना चाहिए वो 50,000 PPM है। और उनमें से एक पैनलिस्ट में से एक पैनल थे जिसको जो उनमें एक शख्स बैठे थे उनको लोग आंखों से आंखों देख रहे थे कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो मुझे लगा वो शायद डेटा साइंटिस्ट होंगे या कुछ होंगे अपने, पर लेकिन वही बस खाली ऑब्जर्व कर रहे थे, वही थे जो ऐसे मुंह आगे करके तुम खड़े हुए थे बैठे हुए थे। तो यही किस्से थे। और एक बार सर मेरा मेंस था, तो मेंस में मेरे काले जूते थे, एक ही जोड़ी जूते थे मेरे पास हमेशा से, तो मैं वो जूते पहन के गया था, उसकी एड़ी टूट गई थी, एक्चुअल एड़ी टूट गई थी, तो अब वो एड़ी लटक रही थी उसकी, वो फॉर्मल शूज़ हुआ करते थे कॉलेज के ज़माने से। तो जब मेरे वहाँ पर उन्होंने मेंस का सेंटर था मेरा UPSC भवन ही धौलपुर हाउस इत्तेफाक से, तो क्या हुआ वहाँ पे पेपर वन के बाद वहाँ पे एक भैया आए मेरे पास, उन्होंने कहा सर आपके पास शूज़ की दिक्कत हो रही है क्या? मैंने कहा नहीं। कि नहीं आपके शूज़ टूट रहे हैं आप दिखाई दे रहा है, अगर आप 1 घंटा रुके हैं तो हम आपके लिए शूज़ लेके आ रहे हैं। मैंने कहा अरे सर कोई बात नहीं सर, तो बोले कि नहीं 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 ऐसे ही अच्छा नहीं लगता सर, प्लीज़ आप आराम से दें अपना पेपर। तो वो मेरे लिए शूज़ एक कहीं से एक जोड़ी लेके आए, उन्होंने पूछा सर 8 नंबर 9 नंबर जो भी पैर का साइज़ है आप पहन लो सर।
ठीक है, वो जूते मेरे पास आज रखे हुए हैं घर पे, कभी यूज ही नहीं आए। इससे मेरे को एक प्रिलिम्स का इंसिडेंट याद आ गया, ऑल्दो प्रिलिम्स मैं दिल्ली से ही देता था, बट एक बार फॉर्म भर रहा था तो दिल्ली सेंटर खत्म हो गया था तो मैं गुड़गांव भरा था। अब गुड़गांव में बाय चांस मेरे को एक छोटा सा स्कूल मिला था जिसमें आई गेस जो क्लासरूम मिला था उसमें बहुत से बहुत 14-15 सीट रही होंगी और आधे लोग तो पेपर देने ही नहीं आए थे, आधा भी मैं कम बोल रहा हूँ, शायद 70% लोग प्रिलिम्स देने ही नहीं आए थे। तो छोटा सा क्लासरूम था, हम 10-12 लोग थे और गुड़गांव सेंटर में ना ऐसे थोड़े दिल्ली से आप कंपेयर करोगे तो कम बच्चे सीरियस आते हैं, ठीक है, इतने बच्चे रहते नहीं है जो कायदे से पेपर देते हैं। तो मैं कर रहा था GS1 और उसमें क्या हुआ कि अब मैं कर रहा हूँ तो जो इन्विजिलेटर थी ना उनको दिख गया कि ये बंदा कर रहा है। अब छोटा सा क्लासरूम था, 10 था, उसमें एक बंदा लगा हुआ है, बाकी रिलैक्स कर रहे थे क्योंकि शायद वो ऐसे ही फॉर्म भर रखे थे, ठीक है, कर रहे हैं। अब वो क्या डिसएडवांटेज टाइप बन गया, वो मैम पहले एक बार आई, बोली कि यार मेरी एक रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव की बेटी है, उसको प्रिपेयर करना है, बताओ कहाँ कैसे इनको तैयारी कराना है, कहाँ ज्वाइन कराना है, क्या नहीं करना है। मैं बोला मैम मैं थोड़ा बताता हूँ। फिर उनको नहीं रहा गया, फिर वो आधे घंटे बाद घूम के आई कि नहीं लग तो रहा है आपका हो जाएगा। और मैं सर तब तक मतलब इंटरव्यू दे चुका हूँ, पेपर चल रहा है, हाँ मतलब तब तक मैं कौन सा चौथा लिख रहा था, मतलब इसके बाद चौथा मेंस लिखा था, 3 मेंस लिखा हुआ था। तो मैं समझ तो रहा था कि इनको वो दिख गया है कि ठीक है ये शायद थोड़ा पढ़ा लिखा है तो इसको पकड़ती हूँ, बट अल्टीमेटली जब 3-4 बार वन मैम को बोला मैम देखो आज मेरा पेपर होने दो, शाम में मैं रुक के आपको सेंटर पे आधे घंटे बता दूंगा सब, अभी मेरा पेपर हो जाने दो, नहीं तो आपकी रिलेटिव तो लिख लेगी, मैं नहीं लिख पाऊंगा मेंस, तो मेरे को पेपर करने दे दो आप। वो कहावत है ना सर, नेवर बी रिचर देन योर नेबरहुड। कभी अपने नेबरहुड में जहाँ रहते हो उसी तरीके से रहो, जैसे भी कभी उनसे देखो मत कि इनसे ज़्यादा अमीर है। सही बात, वही चीज़ है ये।